जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इस रिपोर्ट में ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि शादी के खाने में इस व्यक्ति ने पेशाब किया। वहीं वीडियो के साथ लिखे कैप्शन की शुरुआत ही गुलाब जामुन में पेशाब कर रहा आदमी से की गई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट करते हुए यूजर्स ने इसे सांप्रदायिक एंगल देना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले ज्यादातर दावों की तरह ही कथित रूप से बर्तन में पेशाब करने वाले इस आदमी को लोगों ने मुस्लिम बताया। यूपी बीजेपी यूथ विंग की सोशल मीडिया हेड ऋचा राजपूत ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि फूड जिहाद के बाद इस जिहाद का क्या नाम। वहीं ट्विटर पर कुछ यूजर्स ने ये क्लिप ट्वीट करते हुए लोगों से खाने से पहले केटरर और रसोइये का नाम पता करने की सलाह दी। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये क्लिप फेसबुक से लेकर ट्विटर पर ऐसे ही मैसेजेस के साथ वायरल है। बहरहाल जब ऑल्ट न्यूज ने वीडियो की तफ्तीश की तो पाया कि ये एक प्रैंक वीडियो है जिसमें ये शख्स खाने में बोतल के जरिए कुछ तरल पदार्थ मिला रहा है। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो का ये लंबा वर्जन शेयर किया गया है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये आदमी वीडियो के आखिर में बोतल से मिठाई के बर्तन में कुछ डाल रहा है। इस हिस्से को वायरल वीडियो में से काट दिया गया, यानी इंटरनेट पर मौजूद इस वीडियो का लंबा वर्जन देखने पर साफ हो जाता है कि ये आदमी एक ट्रांसपेरेंट बोतल से कोई तरल चीज मिठाई के टब में डाल रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर झूठे सांप्रदायिक एंगल के साथ शेयर किया गया।